नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन के जन्मदिन पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पैर धोए, उसके बाद उस पानी को आंखों से लगाया। मोदी ने अपनी मां के साथ बैठकर पूजा की, उन्हें साल उड़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन 100वें साल में प्रवेश कर रही हैं। मोदी शनिवार को पावागढ़ में महाकाली के दर्शन कर विरासत वन में लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बड़ोदरा रवाना होंगे, जहां गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपयों से अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। गुजरात सरकार ने महिला की गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की घोषणा की है। मोदी शनिवार को गुजरात के आदिवासी बहुल तहसीलों में पोषण सुधार योजना को लॉन्च करेंगे। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रायोगिक स्तर पर दाहोद, वलसाड, महिसागर, छोटा उदयपुर और नर्मदा सहित 5 आदिवासी बहुल तहसीलों की पोषण सुधार योजना लागू की है। अब इसका विस्तार भी करके राज्य के सभी 14 आदिवासी बहुल जिलों की कुल 106 तहसीलों में इनमें शामिल किया जाएगा। योजना के तहत आंगनवाड़ी में पंजीकृत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को एक समय का पोषक आहार दिया जाता है। उन्हें आयरन और कैल्शियम की गोलियां तथा स्वास्थ्य और पोषण के बारे में शिक्षा दी जाती है। वहीं योजना की निगरानी करने के लिए निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है। वहीं साल की योजना के लिए 118 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। हर महीने इसमें 1,36,000 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।